और आप यहाँ क्यों बैठे हैं ये रब को मालूम है, क्या सोच लेकर बैठे हैं ये खालिक को मालूम है, दिल में तमन्नाएं क्या हैं ये रब को मालूम है, कौन दिल में क्या सोच कर बैठा है मेरे मौला को मालूम है, दिल में तमन्ना यही रखें, दिल में अकीदत यही रखें, अल्लाह वाले के दरबार में अगर आए हैं तो इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ लेकर ही यहाँ से उठे, अल्लाह वाले के और अल्लाह वालों के दरबार में कौन आता है, जिसको ये चाहते हैं वही इनके दरबार में, जिसको ये बुलाते हैं वही इनके दरबार में आता है। एक शायर कहता है, बुलाते हैं तो जाते हैं, बुलाएंगे तो जाएंगे, बिना उनके बुलाए कौन जाता है मदीने। यह हकीकत है, बस ये सोच कर आप बैठे रहे कि ये अल्लाह वाले की महफिल है, नबी के प्यारे की महफिल है, उस बंदे की महफिल है कि जिस बंदे के बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़ुन, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होता है ना कोई रंज। दूसरी जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लदीन आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मा सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ। हम उसी अल्लाह वाले के दरबार में यहाँ बैठे हुए हैं, बस होना यही चाहिए जितनी देर भी हम और आप यहाँ बैठे, बड़े अदब के साथ बैठे, मोहब्बतों के साथ बैठे, कहीं ऐसा ना हो गुस्ताखी हमसे हो जाए। और ये बात हमेशा जहन के अंदर रखें कि जहाँ अल्लाह वाले के हम दरबार में बैठे हुए हैं वहीं औलादे नबी के भी हम सामने बैठे हुए हैं। इनके चेहरे की आप ज़ियारत करें और माशाअल्लाह मिंबर नूर पर आप देख रहे हैं शायरे मुल्क हिंदुस्तान बुलबुले बागे मदीना जनाब तौफीक अज़ीज़ शाहिदी साहब कबला तशरीफ फरमाए, वहीं दूसरी जानिब शायरे मुल्क हिंदुस्तान जनाब नसीम रजा बरकाती हमसा बरेली शरीफ से तशरीफ ला चुके हैं, वहीं आरामदाम में आराम फरमा रहे हैं शायरे मुल्क हिंदुस्तान जनाब अलहाज उस्मान रजा हारून साहब कबला, वहीं मुफद्दिशान अल्लामा मौलाना मुफ्ती शारे फान साहिब मिसबाही, वही बहुत जल्द तशरीफ लाने वाले हैं। बस गुजारिश ये है कि जितनी देर यहाँ बैठे मोहब्बत के साथ बैठे, अदब के साथ बैठे, जावेद रज़ाक कुछ ना कुछ आपको देना चाहता है। आप और हम सभी नबी से मोहब्बत करते हैं, सभी नबी के दीवाने हैं, सभी नबी के चाहने वाले हैं। जब नबी की बात आती है, जब नबी की चाहत की बात आती है, जब नबी की उल्फत की बात आती है, जब नबी की शान की बात आती है, जब नबी के मकाम की बात आती है, तो हम तो हम रहे बरेली की सरजमीन से अहमद रजा पुकार उठते हैं, ऐ मेरे आका उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, किस राह चल दिए हैं, पूछे बसा दिए हैं, जो मेरे तंग दीरा वो दिन तो याद होगा, उम्मत के गम में वैसा रोया कोई ना होगा, मैं शर्म देख मंजर हर शख्स कहता होगा, अल्लाह का जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। जब नबी हम जैसे गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ करते हैं तो क्या उम्मत का ये फर्ज नहीं बनता है, नबी की मोहब्बत में जितनी देर भी बैठे, सुकून के साथ बैठे, अदब के साथ बैठे, इत्मीनान के साथ बैठे। आगे हम आलम तसव्वुर में बरेली की तादाद सर्च करते हैं, ऐ बरेली के सरदार नबी की और शान बताओ, नबी की और अज़मत बताओ, नबी के और मकाम बताओ। आप इरशाद फरमाते हैं, अहमद रजा चला जब जाने जहां की जानिब, अहमद रजा चला जब जाने जहां की जानिब, पहरे सफर में तू था उठा रजा की जानिब, फौरन सदा मुख्तारे कुल की जानिब, आने दो या डुबो दो हम तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। हम और आप सब नबी के चाहने वाले हैं, नबी से मोहब्बत रखने वाले हैं, बस दिल में ये ख्याल लेकर यहाँ बैठे रहे कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे आका हमें देख रहे हैं, सुभान अल्लाह देख रहे हैं, और जितनी देर भी यहाँ बैठे हैं सुभान अल्लाह माशाल्लाह दुरूद पाक पढ़ते रहे, क्योंकि एक शायर कहता है, पहन के इश्क के जेवर दुरूद पाक। अगर आपको लगे मैं उर्दू बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सुभान अल्लाह बोलते रहना, चाइनीज मुझे आती नहीं, ना ही मैं चाइना से हूँ, नहीं चाइना बोलने का आदि, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपके जहनों तक ये शेर पहुंच जाए, मेरी बात पहुंच जाए। पहन के इश्क के जेबर दुरूद पढ़ते रहो, सवार ना है मुकद्दर दुरूद पढ़ते रहो, पहन के इश्क के जेबर दुरूद पढ़ते रहो, सवार ना है मुकद्दर दुरूद पढ़ते रहो, उतार देगा खुदा सर से चादर इसिया, तुम मुर्दे बैठते अक्सर दुरूद पढ़ते रहो, उतार देगा
मेरा सर से चादर इसिया तुम उठते बैठते अक्सर दुरूद पढ़ते रहो और फ्री में मशवरा देता हूं मैं तुम्हें सुन लो अकेले मत शेर याद आ गया चली थी जो नदी वो घट रही है यहाँ चली थी जो नदी वो घट रही है यहाँ अपनी भी बड़े चैन से कट रही है चली हुई थी जो नदी वो घट रही है यहाँ अगर शेर में सच्चाई लगे तो सब की तवज्जो चाहूंगा चली हुई थी जो नदी वो घट रही है यहाँ अपनी भी बड़े चैन से कट रही है यहाँ और अमीर शहर से कह दो कि झोलियां भर ले अल्लाह वाले की खैरात बट रही है यहाँ अमीर शहर से कह दो कि झोलियां भर ले अमीर शहर से कह दो कि झोलियां भर ले अल्लाह वाले की खैरात बट रही है यहाँ और चावलों के सभी दाने नहीं देखे जाते दाने नहीं देखे जाते हो मोहब्बत तो घराने नहीं देखे जाते चावलों के सभी दाने नहीं देखे जाते हो मोहब्बत तो घराने नहीं देखे जाते सिर्फ महसूस करो हमको जमाने वालों हम फकीरों के खजाने नहीं देखे जाते सिर्फ महसूस करो हमको जमाने वालों हम फकीरों के खजाने नहीं देखे जाते बगैर किसी ताखीर के शायरे मुल्क हिंदुस्तान तूतिये चमन चमनिस्तान रज़ा बुलबुले बाबे मदीना जनाब भाई तौफीक शाहिद आमद आमद है मैं चाहता हूँ कि हजरत के आने से पहले एक जोरदार नारे से हजरत का इस्तकबाल करें नारे तकबीर माशाल्लाह शेर करके जिंदा दिल मुसलमान इतनी मोहब्बत कर रहे हैं जितनी आवाज मैंने निकाली उतनी ही आप अल्लाह ताला हमारी आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे थोड़ी और आवाज बुलंद करें नारे तकबीर नारे रिसालत नारे गौस मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम फैजाने हुजूर दादा मियां फैजाने हुजूर दादा मियां सर जमीने शेरगढ़ सर जमीने शेरगढ़ नारे तकबीर नारे रिसालत मजरत की आमद पे एक शेर बोल के बैठना चाहता हूँ एक शायर बड़ी ही खूबसूरती के साथ में नबी की तारीफ करता है और इस तरीके से करता है कि या रसूल अल्लाह प्यासे रहोगे साकिये कौसर को छोड़कर प्यासे रहोगे साकिये कौसर को छोड़कर पी जाओ चाहे साथ समंदर न जोड़कर कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़